हाय गाइस, आई एम शशांक ठाकुर फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस हरिद्वार और आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि पूरे इंटरनेट पे और कहीं भी आप डेटा ढूंढोगे तो आपको बहुत मुश्किल मिलेगा। आजकल बॉडी बिल्डिंग में एक ड्रग यूज़ हो रहा है वेट लॉस के लिए, PGCL, जो बिक रहा है AOD604 के नाम से, और ये ड्रग होता है जानवरों के एबॉर्शन के लिए। अब इसका यूज़ क्यों हो रहा है बॉडी बिल्डिंग में और कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बताया मैंने आपको PGCL, ठीक है। ये इसको बोला जाता है क्लोप्रोस्टेनॉल सोडियम, और ये ह्यूमन के यूज़ के लिए नहीं है, ये जानवरों के यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। और PGF2 alpha भी इसको बोला जाता है, कोर्बोप्रोस्ट फार्माग्रेड के नाम से आता है, कोर्बोप्रोस्ट नाम से आता है ये फार्मा कंपनी में। और ये आजकल जो बॉडी बिल्डिंग में है, जो ब्लैक मार्केट है, जहाँ से पता नहीं लग रहा है चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से पहुँच रही है, उसमें ये आजकल आपको हर सप्लीमेंट की दुकान से मेरे ख्याल से मिल जाएगा, जिनको कि खुद नहीं पता है कि ये वो क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये मिलता है आपको AOD 604 के नाम से, जो कि एक पेप्टाइड है, बट वो पेप्टाइड नहीं होता है, वो PGCL होता है। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक एबॉर्शन ड्रग है एनिमल्स के लिए। जब कोई एनिमल प्रेग्नेंट होता है और उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होता है, मतलब कि जो एनिमल पैदा होने वाला है उसको पैदा नहीं होने देना, तो उसका एबॉर्शन करवाना होता है, उस टाइम पे ये ड्रग दिया जाता है। और इससे होता क्या है, जो यूट्रस होता है एनिमल का, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो जो फीटस होता है वो गर्भाशय से यूट्रस से बाहर आ जाता है और एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ होने लगा है हमारे बॉडी बिल्डिंग में, या फिर ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में दिया जाता है ह्यूमंस को लेबर पेन के लिए। बट अभी तक भी ये क्लिनिकली प्रूव नहीं हुआ है या थोराइज नहीं हुआ है कि ह्यूमंस इसको यूज़ करें। बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करते हैं इंस्टेंट वेट लॉस के लिए। इसके यूज से क्या होता है, मैं पहले रिजल्ट की बात बता देता हूँ, साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, कि अगर AOD 5604 या PGCL आपने यूज़ किया है तो एक दिन में आपका 3 से 4 किलो वेट लॉस हो जाता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इससे 7 से 8 किलो वेट लॉस कर लेते हैं एक दिन में, ठीक है। हो सकता है ये आपने भी यूज़ किया हो अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, या फिर आपके साथ वाला कोई उसको यूज़ कर रहा हो और उसको भी ना पता हो कि भाई इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, क्योंकि भाई लेना तो बहुत आसान है। आप इसको स्किन के अंदर लेते हो, जैसे इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन की सिरिंज से आप इसको अपनी स्किन के अंदर लेते हो, और उस टाइम तो पता नहीं लगता, तो बहुत आसान है, बट उसके बाद की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। इसको लेने के बाद लगते हैं लूज मोशन, ये हमारी बॉडी में बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, 1 घंटे से भी कम की लाइफ होती है इसकी। तो इसको बार बार लिया जाता है, तो जब आप इसको बॉडी में डालते हो, इंजेक्ट करते हो, उसके बाद आपको लूज़ मोशन लगते हैं, डायरिया जैसे सिम्टम आते हैं, और लूज़ मोशन सीवर लगते हैं, आप 15 से 20 बार चले जाते हो 1 घंटे के अंदर में, और उससे आपका वेट लॉस होता है। कहाँ से वो फैट निकालता है, कहाँ से वेट निकालता है, इसके बारे में पूरी स्टडीज़ ही नहीं सामने आ पाई है कि ऐसा वो कर कैसे देता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर की बॉडी में यूट्रस तो नहीं है और उसको एबॉर्शन तो नहीं करवाना है, उसको अपना वेट लॉस करना है, तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत तेज पेन होता है, और वो जाता है सीधा वॉशरूम, और लूज मोशन उसको लग जाते हैं हर 5-7 मिनट में, हर 2-4 मिनट में उसको लूज मोशन लगते हैं, और उसका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। और यही प्रक्रिया उसको दिन में 3 से 4 बार दोहरानी होती है, ठीक है। और इसको लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं IGF-1 के साथ, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, उसके साथ यूज़ करने पे बोला जाता है कि रिजल्ट थोड़े बेटर आ जाते हैं। ये हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, हमारे माउथ से होती है और एनस तक होती है, इसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आता है, सबको पूरी तरह खाली कर देता है, उसमें से सारी चीज़ निकाल देता है, बिल्कुल एम्प्टी कर देता है ये, ठीक है। और ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसको पुश करता है, हार्ट बीट को पुश करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, ये फीवर जैसा सिम्टम हो जाते हैं, बहुत बुखार जैसा लगने लगता है, बॉडी में एनर्जी लॉस हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, ठीक है। और
ये हमारी जो ब्लड वीसल्स होती है, हमारी ब्लड वीसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ब्लड वीसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बहुत तेज़ी से ब्लड ट्रेवल करता है बॉडी के अंदर, और सारा जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, हमारे लीवर, हमारी किडनी, सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। हमारी किडनी पे स्पेशल प्रेशर बनता है वाटर लॉस करने के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, वॉमिट आ जाती है। अगर आपने किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में देखा होगा, कई बार लोग वहाँ पर वॉमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, और लोगों को लगता है कि भाई ये डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है या फिर बहुत टफ डाइटिंग कर रहा है तो इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, वोमिट हो रही है। तो ऐसा नहीं है, वो सब PGCL की वजह से होता है। आप खुद सोचो, जब बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, नॉर्मली उससे पहले पानी वगैरह भी लगभग बंद हो जाता है, खाना वगैरह भी बंद हो जाता है, तो बॉडी में कुछ होता नहीं, तो फिर वॉमिट कैसे आ रही है? वो वॉमिट PGCL की वजह से ही आ रही है, क्योंकि PGCL की डोज ऊपर नीचे हो गई है, उसका कोई डेटा ही नहीं है, और उसके बाद भी आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से पानी निकाले जा रही है और आप लिए जा रहे हो। क्या फ़ायदा है ऐसी बॉडी बनाने का, ऐसी बॉडी बिल्डिंग करने का, ठीक है? और इससे हमारा लीवर होता है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये बहुत हैवी ड्रग है, और लीवर से भी फैट, हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल जाता है। क्योंकि आप सोच के चलो ना, एक दिन में आपका 4 से 5 किलो वेट लॉस हो रहा है, तो बॉडी को कितना ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करता होगा। इसका एक और साइड इफेक्ट है भाई, डेथ भी हो सकती है इससे, ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है इससे। क्योंकि जब आपकी बॉडी में सारे इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे, आपकी बॉडी में सोडियम नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, सीवर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, मसल में क्रैम्प उठते हैं इससे, हर तरह की मसल में स्केलेटल मसल जो हमारी बाहर से दिख रही है, और जो हमारी स्मूथ मसल है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, लंग्स पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, लंग्स पे भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसके, और कभी भी हमारी बॉडी, हमारा जो हार्ट होता है वो काम करना बंद कर सकता है, कभी भी उसमें भी क्रैम्प पड़ सकता है, और किडनी डैमेज होने की वजह से भी ऑन द स्पॉट इससे डेथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डेथ नहीं भी हो रही है तो इंसान बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है, एक बार कॉम्पिटिशन में यूज़ करेगा या वेट लॉस के लिए यूज़ करेगा तो कोई उस टाइम पे हो सकता है वो मेडिसिन लेके समझ जाए, मगर बार बार यूज़ करेगा तो भाई अंदर से जो बॉडी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ना रिजल्ट्स मिलेंगे और प्रॉब्लम्स इतनी आएगी, कोई भी ऑर्गन जो होता है आपका फेलियर हो सकता है। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं बॉडी बिल्डर? यूज़ इसलिए करते हैं भाई, रिजल्ट्स दिखते हैं इसमें, टेम्परेरी होते हैं मगर, क्योंकि इसको बार बार इंजेक्ट करना होता है। इसकी डोज होती है 40 to 120 mcg पर डे, दिन में ये लगभग 3 बार लिया जाता है, क्योंकि और उन तीनों बारों में आप 15 से 20 बार, एक बार में आप लूज मोशन के लिए जाते हो, ठीक है, 10-12 बार जाते हो, एक बार फिर जाओगे 8-10 बार, फिर जाओगे 8-10 बार, तो दिन में कम से कम 25-30 बार, ज़्यादा भी आप चले जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है रिब्डनेस दिखेगी, ये T3 और क्लीन ब्यूट्रोल से जो रिजल्ट आते हैं ये उससे बेटर रिजल्ट दिखा देता है 3 से 4 दिन के अंदर। इसको यूज़ करने पे कैलोरी डेफिसिट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदे ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं उसके बाद भी इससे वेट लॉस कर लेते हैं, इससे मसल मास में भी इंक्रीमेंट दिखाई देता है। बट रियलिटी ये है कि जब मसल मास में जो इंक्रीमेंट दिखाई देता है वो ओरिजिनल मसल नहीं होती, मसल में सोरनेस होती है, एक तरह से स्वेलिंग होती है, मसल थोड़ा सूजा हुआ दिखाई देता है, और वो भी एक दिन के लिए होता है, बाद में वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है। रियलिटी में ये मसल की एट्रोफी करता है, मसल का साइज कम करता है, ना कि बढ़ाता है। वो जो दिखता है थोड़ा बहुत बड़ा हुआ वो टेम्परेरी होता है बस, और वो स्वेलिंग ही होती है और कुछ नहीं फ़ायदा होता, और जिस जगह इसको इंजेक्ट करते हैं वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों से बैठना उतना मुश्किल हो जाता है, और ये इसकी डोजेज लेना भी लोगों को बंद करना पड़ता है कई बार, इतना ज़्यादा भी पेन हो जाता है। अब एक चीज़ और है, एक स्कैम चल रहा है AOD-604 के नाम से, ये इंडियन मार्केट में बिक रहा है। देखो AOD-5604 एक पेप्टाइड है, इस पे भी रिसर्च चल रहा है, और जो रियल पेप्टाइड है, जो ओरिजिनल है, उससे लूज मोशन नहीं लगते, उससे एक दिन में वेट लॉस नहीं होता, वो 8 से 12 हफ्ते का कोर्स होता है, 8 से 12 हफ्ते आप उसको बॉडी में लगाओगे और वो धीरे 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 आपका वेट लॉस करेगा। अगर आपको लूज मोशन लग रहे हैं बार बार, ठीक है, तो वो PGCL है, वो ये सब ब्लैक मार्केट में आ रहा है, इसका कोई ये नहीं पता है कि कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर आप इसका पता निकाल के दे दो कि भाई ये यहाँ से बन रहा है और ये बना रहा है, तो फिर आपको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए ज़रूर। और ये जो AOD-4 है ये बॉडी को उस तरह हार्म नहीं करता जिस तरह PGCL हार्म करता है। AOD ओरिजिनल जो है वो मिलना ही पॉसिबल नहीं है, और लोग सोच रहे हैं कि वो AOD-5604 यूज़ कर रहे हैं, बट यूज़ कर रहे हैं वो PGCL, ठीक है। तो अब भाई ऐसी चीज़ें यूज़ करने का फ़ायदा क्या है?
क्या मिलेगा आपको इस तरह बॉडी बनाने से, इस तरह बॉडी को हार्म करने से। अगर आप देखो पुरानी बॉडी बिल्डिंग देखो, जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग है, जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हुआ करते थे और उनके साथ फ्रैंक जेन बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे, ली प्रिस्ट, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं यूज़ हुआ करती थी, उसके बाद भी वो बहुत अच्छी बॉडी बनाते थे। अगर आप उनसे ज़्यादा बॉडी बना पा रहे हो, उनसे बेटर बॉडी बना पा रहे हो और तब आप PGCL यूज़ कर रहे हो, तो एक बार को होता है हाँ भाई PGCL यूज़ कर रहे, चलो कोई भाई कोई नहीं, कुछ करके तो गया। मगर आप उस लेवल तक नहीं पहुँच रहे हो, आपका कोई लेवल नहीं है। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स के लिए, छोटे छोटे प्राइस के लिए आप इतना रिस्क ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप क्या डाल रहे हो बॉडी के अंदर। और जो आपको आपके जो गुरु जी हैं, जो आपके सप्लीमेंट वाले हैं, वो भी आपको दे रहे हैं लगाई जाओ लगाई जाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आप कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हो या अपना फैट लॉस कर रहे हो, बहुत सारे अदर ऑप्शन हैं। एक एक्सपर्ट कोच के पास जाओ, उससे 10 क्वेश्चन करो कि आप कौन सी चीज़ कैसे यूज़ कर रहे हो, ना कि अपनी बॉडी को हार्म करो, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए। और ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनली मुझको मैसेज कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, और ये जो वीडियो है इसके नीचे यूट्यूब पर आप कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।